दोस्तों आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 250 कोर्सेज मिलेंगे जो कि डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स ऑनर्स और एम इकोनॉमिक्स के कोर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा यूजीसी नेट का सिलेबस हम बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज के। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट स्टेट बोर्ड में पीजीडी इकोनॉमिक्स की जो वैकेंसी निकलती है उनके भी हम सिलेबस प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारे के सारे कोर्स आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगे। तो दोस्तों हम बच्चों के लिए यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का पूरा कोर्स तैयार करा रहे हैं और अब हम बच्चों को मैक्रो इकोनॉमिक्स करा रहे हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में अब हम एक नए चैप्टर पे पहुंच गए जिसका नाम है आउटपुट इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट अल्टरनेटिव व्यू। तो बच्चों ये सारा का सारा जो कोर्स है वो रोजन एंड फ्रियोन की बुक से लिया गया है और ये यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के बच्चों के लिए ही बनाया गया है स्पेसिफिकली। इसके अलावा इसमें हमने एच एल आहूजा सर की बुक का भी यूज़ किया है। तो अगर आप ये पूरा का पूरा कोर्स हमारा बाय करना चाहें तो आप हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल पर आप जा सकते हैं, स्टोर पे आप चले जाइएगा, स्टोर में आपको ये कोर्स जो है यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का ही आपको मिलेगा। और अगर आप इसको बाय करना चाहें तो आप इसको बाय कर सकते हैं। इसमें आपको वीडियो कोर्स सिस्टमेटिकल तरीके से मिलेंगे, इसके अलावा हम आपको जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसमें जो नोट्स तैयार करा रहे हैं वो भी आपको मिलेंगे और टेस्ट सीरीज भी हम आप बच्चों को बनाएंगे। तो कंप्लीट एक पैकेज हम आप बच्चों को दे रहे हैं, तो इस कोर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको टॉपिक स्टार्ट कराता हूं जिसमें सबसे पहले हम आप बात कर रहे हैं आउटपुट इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो बच्चों देखिए, जब हम इस वीडियो कोर्स को बना रहे हैं तो वीडियो कोर्स में हमने दो वीडियो ऑलरेडी ऊपर डाली हुई हैं जिसमें सबसे पहली वीडियो में हमने आपको इन्फ्लेशन कर्व क्या होता है वो बताया, वो हमने डॉन बुश की बुक से लिया है और साथ ही साथ आपने नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया है। तो उन दो वीडियो को आप देख लीजिएगा, अगर आपको लगता है कि वो ज़रूरत की है तो आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम आपको इस जो फ्रियोन की बुक में बताया हुआ है वही सारी बातें हैं लेकिन अलग तरीके से बताने की कोशिश की जा रही है। तो वो भी वीडियो तो आपके लिए ऑल्टरनेटिव है, चाहे तो आप देखिए चाहे तो आप मत देखिएगा। तो चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ पूरा का पूरा चैप्टर। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ दिक्कत क्या हुई। जैसे फ्लिप्स कर्व है, फ्लिप्स कर्व हमने क्या पढ़ा हुआ है बच्चों, ऑलरेडी हमने आपसे डिस्कस किया हुआ है फ्लिप्स कर्व के बारे में, जिसमें हमने आपसे बताया है कि फ्लिप्स कर्व इस तरीके का होता है, डाउनवर्ड होता है, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। जिसमें हमने यहाँ पे लिया है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और यहाँ पे हमने ले लिया इन्फ्लेशन। तो हम समझ चुके हैं ऑलरेडी कि इन्फ्लेशन रेट में और अनएम्प्लॉयमेंट में नेगेटिव रिलेशन है। तो उसी बात को यहाँ पे भी समझाया हुआ है अलग तरीके से, वहां पर हमने इक्वेशन के थ्रू समझाया था, यहां पर हम आपको बिना इक्वेशन के जैसा फ्रियोन की बुक में लिखा हुआ है थ्योरिकली आपको लॉजिकली तरीके से समझाएंगे आखिरकार ऐसा होता क्यों है। तो जो ऐसा पाया गया कि ये वाला लागू होता है जो फिलिप्स ने अपने अपनी स्टडी में एम्पेरिकल स्टडी में पाया, लेकिन समय बीतने के साथ साथ देखा गया कि ये जो रिलेशन है इन्फ्लेशन में और अनएम्प्लॉयमेंट में ये खत्म हो गया। और बल्कि ये देखा गया कि कई ऐसी जगह हैं जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है साथ ही साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। भाई ये तो कहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है, लेकिन देखा गया कि अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है साथ ही साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, जिसको कि हम स्टैगफ्लेशन भी बोलते हैं। स्टैगफ्लेशन में बच्चों हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, मैं आपको प्लेलिस्ट में डाल दूंगा आपके लिए ताकि आपको उस वीडियो के बारे में भी जानकारी हो जाए। स्टैगफ्लेशन के बारे में भी हम समझते हैं। तो स्टैगफ्लेशन क्या कंसेप्ट है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। एग्रीगेट डिमांड है, मान लीजिए एग्रीगेट सप्लाई है, ये मान लीजिए आउटपुट का लेवल है, ठीक है, और ये हमारा प्राइस लेवल है। तो आउटपुट के लेवल पर बेस्ड हमारा एम्प्लॉयमेंट का लेवल है, ये तो आपको समझ में आता ही है क्योंकि आउटपुट ही डिसाइड करता है कितना एम्प्लॉयमेंट होगा। अब स्टैगफ्लेशन का मतलब है कि एग्रीगेट सप्लाई घट गई जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ गए और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट का जो लेवल है वो भी घट गया। तो ये वाली समस्या पैदा हुई, यानी कि एक तरीके से हमें ऐसा देखने को मिला सर्वे में कि फिलिप्स का जो है वो अपनी जगह से राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पे जो मॉनेटरिस्ट इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने अपने व्यू दिए, हालांकि केन्जियन व्यू के बारे में भी हम पढ़ेंगे और कोई खास अंतर नहीं है इस कम से कम इस फिलिप्स कर्व के बारे में। मॉनेटरिस्ट इकोनॉमिस्ट ने कहा कि ठीक है फिलिप्स कर्व एग्जिस्ट होता है माना उन्होंने, लेकिन ऐसा केवल शॉर्ट रन में ही होगा, लॉन्ग रन में नहीं होगा। और इसके लिए उन्होंने एडेप्टेड जो हाइपोथीसिस है उसको बारे में लिया, यानी कि एडेप्टेड एक्सपेक्टेशन हाइपोथीसिस लिया, उसके बारे में भी हम बात करेंगे बच्चों आगे
वीडियो में। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि शॉर्ट रन में फिलिप्स कर्व लागू होता है जबकि लॉन्ग रन में फिलिप्स कर्व लागू नहीं होता, जिसको हम अडेप्टेड एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस बोलते हैं, जिसके बारे में हम आने वाले वीडियो में या आने वाले वक्त में आप बच्चों को सिखाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले आप इस प्रपोजिशन को समझ लीजिए जो मॉन्ट्रेस्ट इकोनॉमिक्स कहना चाहते हैं कि शॉर्ट रन चेंज इन द मनी सप्लाई, इन द शॉर्ट रन चेंज इन द मनी सप्लाई आर प्राइमरीली डिटरमिनेंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। यानी कि अगर मनी सप्लाई में चेंज होता है तो शॉर्ट रन में आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में चेंज होगा, लेकिन लॉन्ग रन में रियल वेरिएबल जैसे रियल आउटपुट है या एम्प्लॉयमेंट है, इन सब में किसी भी तरीके से चेंज नहीं होगा। ये बेसिक बच्चों हमें बात समझनी है। यानी कि उनका ये मानना था कि शॉर्ट रन अगर मनी सप्लाई को बढ़ाया जाता है तो शॉर्ट रन में ही अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट में चेंज होगा, लॉन्ग रन में चेंज नहीं होगा। तो बच्चों इसी प्रपोजिशन को समझाने का काम हम पूरी की पूरी वीडियो के माध्यम से करेंगे कि आखिरकार शॉर्ट रन में ही मनी सप्लाई बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट पर असर क्यों पड़ता है, लॉन्ग रन में किस तरीके का प्रोसेस चलता है। तो बच्चों द बेसिक ऑफ दिस प्रपोजिशन इज मिल्टन फ्रीडमैन थ्योरी इज नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले हम आपको नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, अब आप यहां से टॉपिक शुरू करना है, समझ लीजिए बच्चों पूरी तरीके से। देखिए एक वर्ड आया है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, NRU बोल देते हैं सिंपल तरीके से। अब होता क्या है बच्चों, इकोनॉमी में कभी भी 100% लोग एम्प्लॉय हो ही नहीं सकते, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो एक नौकरी को छोड़कर दूसरी नौकरी में जाने का प्रयास करेंगे, जिसको कि हम फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो डिमांड टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से, डिमांड का पैटर्न चेंज होने की वजह से या किसी और वजह से, स्ट्रक्चरल चेंज होने की वजह से अनएम्प्लॉयड होंगे। तो हम सिंपल शब्दों में मान लेते हैं कि हमारा जो NRU है वो 6% है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे पास लेबर फोर्स है 100, उसमें से 6% लोग तो अनएम्प्लॉयड होंगे ही होंगे और 94% लोगों को नौकरी मिल जाएगी, ये हम मान के चल रहे हैं। इसको मैं एन स्टार बोल देता हूँ। यानी कि ये जो लेवल है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का है। अब ये निकलता कैसे है, कौन डिसाइड करता है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को? देखिए दो तरीके की चीज़ें होती है, एक एग्रीगेट डिमांड है, एक एग्रीगेट सप्लाई है, दो तरीके की चीज़ें हैं। बच्चों यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप इस नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को गिराकर 4% लाना चाहते हो तो ये डिमांड के द्वारा भी पॉसिबल है और सप्लाई के द्वारा भी पॉसिबल है। यानी कि आप एग्रीगेट डिमांड को अगर बढ़ा देते हो किसी भी वजह से तो डेफिनेटली ज्यादा आउटपुट करने के लिए ज्यादा लोगों को रोजगार पर लगाया जाएगा, लेकिन ऐसा केवल शॉर्ट टर्म में ही होगा, लॉन्ग टर्म में ऐसा पॉसिबल नहीं। यानी कि एग्रीगेट डिमांड जो है केवल शॉर्ट टर्म में ही या शॉर्ट रन में ही नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को घटाने का काम करता है, लॉन्ग रन में ही करने में सफल नहीं हो पाता। जबकि एग्रीगेट सप्लाई जो है, अगर एग्रीगेट सप्लाई को आप बढ़ाते हो तो आपका डेफिनेटली नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लॉन्ग रन में भी घट सकता है। तो यहां पे ये बताने की कोशिश की जा रही है बच्चों, जो कि हमने आपको समझा कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज द एवरेज रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अराउंड विच इकोनॉमिक फ्लक्चुएट इन द लॉन्ग रन। यानी कि वो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है, आमतौर पर ये 6%, 7%, 8%, 4.5%, लेकिन एक एवरेज निकाल लेते हैं। तो हम ये सिंपल मान लेते हैं अपने पूरी की पूरी क्वेश्चन में कि 6% ही हमारा नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, अराउंड विच इकोनॉमी फ्लक्चुएट इन द लॉन्ग रन। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आर डिटरमाइंड बाय रियल सप्लाई साइड। अब देखिए ऑलरेडी हमने आपको बता दिया सप्लाई साइड की वजह से ये इन्फ्लुएंस होता है, जैसे मान लीजिए कैपिटल स्टॉक है, इसके अलावा साइज ऑफ लेबर फोर्स, इसके अलावा टेक्नोलॉजी, ये सारे के सारे फैक्टर डिसाइड करते हैं कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट किस तरीके से कितनी होगी। चेंज इन एग्रीगेट डिमांड ड्यू टू एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी या फिजिकल पॉलिसी, जो भी मान के चलें, ठीक है, कॉजेस टेम्परेरी मूवमेंट इन द इकोनॉमी अवे फ्रॉम नेचुरल रेट, लेकिन ये टेम्परेरी होगा। नेचुरल एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने से आप नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को नहीं बढ़ा सकते। सिंपल शब्दों में बच्चों हम कहें तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है जिसके इर्द गिर्द इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट घूमती रहती है, ये रहेगा ही रहेगा, इसको आप घटा नहीं सकते हो। और घटा सकते हो लेकिन आप डिमांड को बढ़ा के तो नहीं घटा सकते, थोड़े समय के लिए घटा सकते हो। आपको अगर इसको घटाना है तो आपको सप्लाई साइड पे ही इसका असर डालना पड़ेगा, बट द लॉन्ग रन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट टू द रिटर्न टू द नेचुरल लेवल, क्योंकि अगर आप एग्रीगेट डिमांड को चेंज करोगे तो फिर से वो नेचुरल रेट पे आ जाएगा। तो यहां पे बच्चों डायग्राम के थ्रू हमें नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट समझाने की कोशिश की गई है। तो यहां पे हम दो पार्ट ले लेते हैं। देखिए अगर आपने पिछला चैप्टर पढ़े हैं तो ये सारे के सारे डायग्राम वहीं से लिए गए हैं, जिसमें यह बनाया गया है हमारा डिमांड ऑफ लेबर, जिसको कि उन्होंने बोला MPN, ये रियल टर्म है बच्चों, ठीक है, ये रियल टर्म है। क्योंकि इसके अलावा सप्लाई की बात करें तो ये हमारी है NS। अब आपको पता है NS इज द फंक्शन ऑफ W अपॉन P, और हम यहां पे मान के चल रहे हैं
कि प्राइस और एक्सपेक्टेड प्राइस दोनों बराबर बराबर है, और ये हमारा है मान लीजिए रियल वेज, और इस लेवल पे हमारा जो है ये हमारा एम्प्लॉयमेंट का लेवल है एन स्टार, ये हमारा एम्प्लॉयमेंट का लेवल है, ठीक है, जो कि हम मान के चल रहे थे कि 94% है, और यानी कि ये हमारा है एम्प्लॉयमेंट का लेवल, और यहां पे हम प्रोडक्शन फंक्शन बना लेते हैं, यानी कि इतना हमारा आउटपुट हो रहा है इकोनॉमी में वाई स्टार के बराबर, इसको हम बोल देते हैं बच्चों क्यू फंक्शन है, सॉरी के एंड एल का, ओके बच्चों। तो ये सारी की सारी बातें हम समझ लेंगे, सिंपल सी तरीके से समझ लीजिए, अगर आप इस एन स्टार से ऊपर आ जाते हो, यहां पे आ जाते हो, ठीक है जी, यानी कि अगर आपका ये जो एन है ये ऊपर हो जाता है, यानी कि अगर आपका एन ज्यादा हो जाता है एन स्टार से, यानी कि आपके यहां एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से, तो आपका जो यू होगा इट विल बी लेस देन यू स्टार, ठीक है जी, यानी कि आपके यहाँ पे जो नेचुरल जो एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट होगी वो नेचुरल रेट से कम होगी, इसका मतलब अगर आपका ये 98% हो जाता है तो इसका 96% से तो ज़्यादा ही हुआ, तो डेफिनेटली ये जो आपका सॉरी 94% से तो ज़्यादा ही हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी 2% अनएम्प्लॉयमेंट होगी वो डेफिनेटली आपके 6% अनएम्प्लॉयमेंट से कमी होगी। तो बच्चों ये बेसिक बात आपको याद रखनी है, मैं ये हटा देता हूँ, आपको कन्फ्यूज नहीं करना चाहता, तो बेसिक बात आपको याद रखनी है, बेसिक टर्मिनोलॉजी है बच्चों, ये आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है, ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ के बाद हम आपको आगे समझाने की कोशिश करते हैं किस तरीके से उन्होंने फ्लिप्स कर्व को एक्सप्लेन किया, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी इन द शॉर्ट रन, यानी कि शॉर्ट रन में फ्लिप्स कर्व किस तरीके से डेरिवेट किया मिल्टन फ्रीडमैन के समर्थकों ने, उसके बारे में हम आगे चर्चा कर रहे हैं बच्चों। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाने की जो कोशिश कर रहा हूँ आप बहुत ध्यान से समझेंगे, समझिएगा कि इकोनॉमी इज द एट नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। देखिए मैं आपको एक डायग्राम बना के समझा देता हूँ, मैंने अलग से एक पेज भी बनाया हुआ है, देखिए ध्यान से समझिएगा बच्चों। सबसे पहले मनी सप्लाई को बढ़ाते हैं, जब मनी सप्लाई बढ़ेगी, देखिए मनी सप्लाई बढ़ने से क्या होता है कि लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ने से लोगों के पास जब ज़्यादा पैसा आएगा तो डेफिनेटली जो एग्रीगेट डिमांड है ये बढ़ेगी, ये मॉनेटरिस्ट इकोनॉमिक्स का विचार है बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा मॉनेटरिस्ट इकोनॉमिक्स का ये विचार है कि अगर आप मनी सप्लाई को बढ़ाओगे तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड जब बढ़ती है तो प्राइसेस भी बढ़ेंगे, हालांकि वेज रेट भी बढ़ेगा लेकिन प्राइसेस ज़्यादा बढ़ेंगे, और वेज रेट बढ़ेगा नॉमिनल टर्म में तो एम्प्लॉई जो है वो ज़्यादा काम करने को तैयार हो जाएगा, यानी कि डिमांड ऑफ लेबर बढ़ेगी, डिमांड ऑफ लेबर बढ़ने से वेज भी बढ़ेगा लेकिन वेज उतना नहीं बढ़ेगा जितना प्राइजेस बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से आप देखोगे कि जो एम्प्लॉयमेंट का लेवल है वो बढ़ेगा, और एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ने का मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल गिरेगा। मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ, हालांकि फिलिप्स कर्व तो मैं आपको आगे भी बता दूंगा, एक सिंपल तरीके से हम समझ लेते हैं पूरा कंसेप्ट क्या है। देखिए यहाँ पे मैं आपको तीन डायग्राम बना रहा हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए, आपको बुक में तो ये डायग्राम नहीं दिए हुए हैं। सबसे पहले आप याद रखिएगा कि ये हमारा है एग्रीगेट डिमांड, जिसको YD बोल रहा है आपकी बुक में, मैं तो एग्रीगेट डिमांड ही बोलता हूँ, और ये हमारा है एग्रीगेट सप्लाई, SRS बोलते हैं हम, लेकिन आपकी बुक में YDS बोला है तो हम YS भी लिख देते हैं। ये हमारा है प्राइस लेवल P0, और ये मान लीजिए हमारा है GDP का लेवल Y0, ठीक है जी। अब हम सिंपल तरीके से मान लेते हैं कि इस लेवल पर ये हमारी है डिमांड ऑफ लेबर, जिसको कि हम बोलते हैं MPN × P0, ठीक है जी, और हम चलिए मान लेते हैं कि ये हमारी है सप्लाई ऑफ लेबर है, जिसको क्या इन्होंने बोला है NS, तो हम भी बोल देते हैं, और हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारा प्राइस है एक्सपेक्टेड प्राइस है वो प्राइस के बराबर है, तो ये मान लीजिए हमारा वेज रेट डिसाइड होगा। ओके बच्चों, अब इस वेज रेट पर मान लीजिए ये हमारा वेज रेट है, जिसको वेज जो है वो इन्फ्लेशन को इसलिए इंडिकेट कर रहा है क्योंकि वेज जो है वो फैक्टर इनकम का फैक्ट जो फैक्टर कॉस्ट है किसी गुड्स की कॉस्ट है उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए यहां पर हम इसको इन्फ्लेशन रेट ले लेते हैं, मान लीजिए Y0 है, और इस केस में मान लीजिए चलिए अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 6% पर है, नेचुरल लेवल पर है, हम ये मान लेते हैं। ओके बच्चों आगे देखते हैं, आगे हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप मनी सप्लाई को बढ़ाते हो तो आपकी एग्रीगेट डिमांड का लेवल बढ़ जाएगा, एग्रीगेट डिमांड लेवल बढ़ने से प्राइसेस का लेवल बढ़ेगा और आपके GDP का लेवल भी बढ़ेगा। अब जब प्राइस का लेवल बढ़ेगा तो डेफिनेटली आपका जो MPN है ये राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा इस तरीके से, यानी कि आप ज़्यादा लेबर की डिमांड करोगे,
यानी कि जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो आप उनसे ज्यादा घंटे काम करवाओगे या नए लोगों को काम पे लगाओगे, इससे क्या होगा, आपका जो एम्प्लॉयमेंट का जो लेवल है वो बढ़ेगा, यानी कि आप ज्यादा एम्प्लॉई काम करेंगे और साथ ही साथ वेज रेट भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं है वेज रेट नहीं बढ़ेगा, वेज रेट बढ़ेगा, लेकिन वेज रेट में वृद्धि उतनी नहीं होगी जितनी प्राइसेस में होगी। अब इसकी वजह से क्या होगा कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा, डेफिनेटली जो वेज बढ़ा है वो प्राइसेस में जुड़ जाएगा, साथ ही साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल है वो घटेगा। और ये जो प्रोसेस है ये लगातार चलता रहेगा अगर आप एग्रीगेट डिमांड को लगातार बढ़ाते रहोगे। अगर मान लीजिए आप एग्रीगेट डिमांड को फिर से बढ़ा देते हो तो डेफिनेटली आपका ये जो कर्व है ये फिर से राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, यानी कि वेज रेट बढ़ेगा जिसकी वजह से इन्फ्लेशन तो बढ़ेगी लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट घटेगी। तो इसको बच्चों फिलिप्स कर्व उन्होंने कहा है। फिलिप्स कर्व ये जो थ्योरी है ये पूरी तरीके से मिल्टन फ्रीडमैन की थ्योरी है, जो मॉडर्निस्ट इकोनॉमिक्स ने किस तरीके से फिलिप्स कर्व को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे बच्चों मैं आपको फिलिप्स कर्व को एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा से, जो बुक में लिखा है उस तरीके से। उससे पहले कुछ अजम्पशंस हैं, आप अजम्पशंस ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब तक आप अजम्पशन ध्यान में नहीं रखोगे आपका कंसेप्ट पूरा तरीके से कवर नहीं होगा। सबसे पहला, इकोनॉमी एट द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि हम ये मान के चल रहे हैं कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पर है। तो सुविधा के लिए बच्चों हम मान लेते हैं कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 6% है, हम मान लिया चलिए 6% पर है, और यहां मैं यू स्टार लगा देता हूं, यानी कि ये हमारा नेचुरल रेट है। इस केस में मान लीजिए इन्फ्लेशन रेट 0% है, यहां पे हमारा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है जी। तो हम क्या काम कर रहे हैं, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे ही हम वर्क कर रहे हैं, यानी कि ये हमें एक पॉइंट मिल गया जिसको हम ए बोल देते हैं सुविधा के लिए। इन्होंने भी ए बोला, हम भी ए बोल देते हैं। इसके अलावा लिखा हुआ है मनी सप्लाई हैज ग्रोइंग एट द रेट इक्वल टू रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल आउटपुट, यानी कि मनी सप्लाई उतनी ही बढ़ रही है जितना रियल आउटपुट बढ़ रहा है। तो बच्चों इस केस में अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मनी सप्लाई बढ़ती है और उतना ही आउटपुट बढ़ता है तो प्राइसेस पर इसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितनी आपकी डिमांड बढ़ेगी उतना ही आपकी सप्लाई बढ़ रही है, तो आपके प्राइस पे तो कोई असर पड़ना ही नहीं है, ठीक है। तो प्राइस आपके कांस्टेंट रहेंगे, ये भी हमें याद रखना है, क्योंकि मनी सप्लाई जितनी बढ़ रही है उसी रेट से आउटपुट बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कोई भी दिक्कत नहीं है। और हम ये मान के चल रहे हैं कि जो मनी सप्लाई है वो 3% के रेट से ही बढ़ रही है, तो ठीक है, तो ये और ये स्टेबल है। अब देखिए, हमने माना कि जो मनी सप्लाई है वो सडनली क्या हुआ, 3% से 5% हो गई, यानी कि हम चाहते हैं कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का रेट गिरे। इसके लिए हमने क्या किया, इन्फ्लेशन के रेट को टॉलरेट कर लिया 2% से, यानी कि 3% हमने टोटल मनी सप्लाई बढ़ाई 5% की, 3% को तो जीडीपी बढ़ रही है, आउटपुट बढ़ रहा है, वो तो उसको खत्म कर देगा, 2% की इन्फ्लेशन रहेगी, यानी कि 2% की आपको इन्फ्लेशन मिलेगी, साथ ही साथ आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो 4% आ जाएगा, यानी कि इस तरीके से इकोनॉमी जो है वो मूव करेगी पीछे की तरफ, ठीक है जी। ये हमें बी पॉइंट मिल गया इस तरीके से। इसी तरीके से मान लीजिए अगर आप और मनी सप्लाई बढ़ाते हो, यानी कि आप चाहते हो कि और अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिरे। अब देखिए, यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिराने के लिए आपने क्या किया, और मनी सप्लाई बढ़ाई। तो मनी सप्लाई बढ़ाने से आपने मान लीजिए मनी सप्लाई 6% की, अब ये जो गैप है वो एग्जैक्ट नहीं रहता बच्चों, और आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट मान लीजिए फिर से 2% आ गया। तो इस तरीके से जैसे जैसे आप मनी सप्लाई बढ़ा रहे हो वैसे वैसे आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है, आप देख रहे हो आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो गिर रही है और आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ये डिनोट करता है कि इन्फ्लेशन में और अनएम्प्लॉयमेंट में ट्रेड ऑफ होता है, यानी कि जो अनएम्प्लॉयड है, अगर आप ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट चाहोगे तो आपको ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट चाहने के लिए आपको कम इन्फ्लेशन पर रखना पड़ेगा, और अगर आप इन्फ्लेशन ज़्यादा रखते हो तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट कम मिलेगा, यानी कि ये वाली दो चीज़ें वो आपको समझनी है। तो इसका मतलब उन्होंने यही समझाने की कोशिश की है कि अगर आप मनी सप्लाई को बढ़ाते हो तो आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से आपकी इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ने से जो प्राइजेज हैं वो बढ़ेंगे, लेकिन प्राइस तो स्टेबल है ना, मतलब अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि प्राइस स्टेबल है, क्योंकि लोगों को नहीं पता चला ना कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है। अब लोगों को जब पता चलेगा तभी तो वो ज़्यादा सैलरी की मांग करेंगे, लेकिन फिलहाल लोगों को पता नहीं चल रहा है। तो ज़्यादा जो डिमांड की जा रही है वर्कर की, क्योंकि वेज रेट लगातार बढ़ाया जा रहा है, इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगी। इन्फ्लेशन बढ़ने का मतलब है कि आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो घटेगी। तो इस तरीके से बच्चों ट्रेड ऑफ होता है शॉर्ट रन में, लेकिन लॉन्ग रन में उनका ये प्रोसेस है वो नहीं मानते थे। उनका मानना था कि लॉन्ग रन में ये जो प्रोसेस है ये नहीं चलता है बच्चों, शॉर्ट रन में ये ट्रेड ऑफ होता है, जिसको कि हम अडेप्टेड इन्फ्लेशन बोलते हैं। अडेप्टेड एक्सपेक्टेशन का मतलब है कि लोगों को धीरे धीरे करके पता चल जाता है
पिछले सालों में जो इन्फ्लेशन रही है उसके बारे में। तो बच्चों इस टॉपिक के बाद हम आपको अगली वीडियो में ही कराएंगे, और वो वीडियो जो है वो आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में ही मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर दोस्तों अगर आपने हमारी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, और अगर आपको इकोनॉमिक्स ऑप्शन से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। मैं जरूर आपकी कोशिश करूँगा आपको आपकी डाउट्स को दूर करने की। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।